और इस देश के अंदर पिछले 30-40 साल में सारों की जनसंख्या बढ़ने पर भी, और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ और मजहब के लोगों की जनसंख्या अनुपात में अधिक बढ़ती है और उससे ज़्यादा अधिक उनकी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन ये भी बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मजहब इस्लाम में तो बहुत साफ कहा गया है, उतनी जनसंख्या चाहिए, उतने घर में संतानें चाहिए जिनका तुम ठीक से निर्वाहन कर सको। अधिक संतान होगी, अधिक धन होगा तो हो सकता है उसके प्रबंधन में भी संकट आए। अधिक संतान गरीबी और ईश्वर की इबादत से दूर करेगी, अधिक धन आयाशी दे सकता है और वो ईश्वर से, खुदा से भी दूर कर सकता है। इसलिए कहा गया है संतुलित धन, जिससे तुम खुशियों के साथ अच्छे से जी सको, किसी का शोषण नहीं हो, इतनी संतान जिससे सबका पालन पोषण हो जाए और विकास हो जाए। और इसलिए आज इस देश के अंदर सबको साथ सबका विकास लेकर जो नीति बन रही है उसके अनुसार जरूरी है, जब किसी एक जाति की, किसी एक मजहब की जनसंख्या बढ़ती है तो समाज में जो असंतुलन आता है उससे समाज की सोशल हार्मोनी को भी संकट खड़ा होता है। जनसंख्या इसका सीधा सीधा अर्थ है कि देश में ठीक ढंग के विकास की गारंटी बने, सोशल हार्मोनी हो, रिलीजियसली कॉन्फ्लिक्ट ना खड़े हो। इसलिए आज जरूरी है एक तो जनसंख्या नियंत्रित हो, दूसरा जनसंख्या को अनाप शनाप ना बढ़ाएं इसके लिए जागरण हो, तीसरा नियंत्रण हो और स्पर्धा ना हो जनसंख्या बढ़ाने की।